तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मोटोरोला पे, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से फोन्स है और कितना एक्सपेक्टेड सेल प्राइस हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो, पोको और सैमसंग पे कि इनका कितना एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हम पोको से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें वैसे तो बहुत सारे फोन है जिसपे डिस्काउंट मिलने वाला है, पर मैं मेजरली चार फोन बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आ जाता है 10,000 के अंदर अगर आपको कोई फोन चाहिए तो वो है पोको M6 5G। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा है और प्रीमियम स्काई डिजाइन के साथ आता है। तो एक अच्छा फोन है अगर आप 10,000 के अंदर देख रहे हो। वैसे इसका प्राइस अभी 10,000 कुछ चल रहा है, पर ये सेल में आपको 7-8K के अराउंड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है पोको X6 Neo 5G। ये आपको 13,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा सेल में। इसके की फीचर्स देखें तो इसमें आपको डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है और 120Hz की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 2-3 हज़ार और बढ़ा सकते हो तो आप इससे भी बेटर फोन ले सकते हो, पोको X6। ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा फिर मैं। अगर पोको X6 लेते हो उसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैम सेटअप है, 64+8+2 मेगापिक्सल का, 5100 mAh की बैटरी है, 67W का चार्जर मिलेगा बॉक्स में। तो एक बहुत अच्छी डील निकल के आ जाती है 2-3 हज़ार बढ़ा के, क्योंकि ये आपको सेल में 16-17K के राउंड देखने को मिल जाएगा इजीली। और जो अब मैं फोन बता रहा हूँ वो पोको का बेस्ट है जो वो इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये है पोको X6 Pro 5G। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 64+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है और सबसे बढ़िया चीज 67W की चार्जिंग के साथ साथ इसका अंतुतु स्कोर देखो तो 1.3 मिलियन के आसपास निकल के आता है। बहुत स्मूथ गेमिंग होने वाली है इसमें आपकी। तो अगर आप पोको का फोन देख रहे हो तो ये फोन आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि ये आपको 21-22K के अराउंड इजीली मिल सकता है और क्या पता 20K का भी मिल जाए। और पोको की तरफ से लास्ट फोन है पोको का F6 5G। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिल जाता है, 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैम सेटअप है, 6.67 इंच की 1.5 की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 90W की चार्जिंग के साथ आता है ये। सेल प्राइस की बात करें तो ये आपको 26,000 के राउंड देखने को मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले ब्रांड की तरफ जो है वीवो। वीवो में वैसे तो बहुत सारे फोन्स हैं और 10,000 के नीचे भी है, पर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें आपको चार्जर नहीं मिलता जो मस्ट होता है इस कैटेगरी के लिए। तो मैं सीधा अगले फोन पे आ जाता हूँ जो है वीवो T3X 5G। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी है, डुअल कैम सेटअप है 50+2 मेगापिक्सल का, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर इसका प्राइस देखें तो ये आपको 10-11 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएगा और इसमें चार्जर भी इंक्लूडेड मिलेगा। अगला आ जाता है वीवो T3 5G। इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल की कैमरे के साथ, साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर है, तो मतलब इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो अच्छी खासी। प्राइस की बात करें तो ये आपको 16,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा सेल में, और ये इस रेंज में बहुत अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है फोन। और इसी का ही नया वेरिएंट वीवो T3 अल्ट्रा ये लॉन्च होने वाला है 19th को 7 बजे। इसमें आपको सोनी IMX921 सेंसर देखने को मिल जाएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस का प्रोसेसर है, 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 80W की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिल जाती है। एक अच्छा फोन है, 29,000 का लॉन्च होने वाला है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर हम देखें वीवो V30 और V40 दोनों सिमिलर से ही फोन लगते हैं, प्रोसेसर भी सेम है, कैमरा भी सेम है, बस बैटरी का फर्क है 500 mAh ज्यादा है V40 में। तो प्राइस का फर्क है, आप वीवो V30 प्रेफर कर सकते हो। बस जो डिफरेंस है इसमें वो है इनके प्रो मॉडल्स में। प्रो मॉडल्स में आपको ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिल जाता है और बिना प्रो वाले में आपको डुअल कैम सेटअप देखने को मिलता है, तो ये डिफरेंस है और प्रोसेसर का भी डिफरेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस को सेट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपको कौन सा परचेज करना है। और लास्ट में आ जाते हैं वीवो के फ्लैगशिप फोन वीवो X100 और 100 प्रो। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे फोन है। इनमें ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिल जाता है, 9300 प्रोसेसर है, तो अच्छे फोन है। अगर आपका इतना बजट है तो आप इनको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट ब्रांड पे, वो है सैमसंग। सैमसंग के वैसे तो बहुत सारे फ्लैगशिप फोन आते हैं, जैसे आप फोल्ड देख लो, फ्लिप देख लो, S24 अल्ट्रा हो गया, प्लस हो गया, ये सारे डेफिनेटली अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अगर आपका उतना बजट है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। पर जो मेन डील है फोकस करने के लिए वो है सैमसंग गैलेक्सी S23। इसमें आपको डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिल जाता है और कैमरा 50+10+12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी तो टॉप नॉच रहती है सैमसंग की। इसमें प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 40,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा सेल में।
और इसी का एक दूसरा वर्जन भी है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE जो आपको 30,000 का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सैमसंग एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, डुअल कैम सेटअप देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और वही डायनेमिक एमोलेड वाली डिस्प्ले है। तो ये सब चीज़ तो अच्छी है, बस ये इसमें थोड़ा एक्सिनोस है जिस पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको नीचे के फोन्स नहीं बता रहा क्योंकि मोस्टली फोन में एक्सिनोस मिलता है और वो लॉन्ग टर्म में थोड़ी दिक्कत दे देते हैं, तो मैं स्नैपड्रैगन वाले फोन्स को प्रेफर करता हूँ। तो सैमसंग के मैं नीचे वाले फोन्स आपको नहीं बताऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि अगर एक्सिनोस है तो आप उसको मतलब ना लो, किसी और ब्रांड का फोन ले लो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 ब्रांड के फोन बताए। सैमसंग में मैं अभी भी कहूंगा कि उसमें बैटरी कम होती है तो वो थोड़ा कम चलेगा, उसके हिसाब से लेना, और चार्जर भी नहीं मिलता। बाकी अगर फोन देखो तो वो अच्छा है, आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी, प्रोसेसर सही है, नीचे के तो मैंने बताया नहीं एक्सिनोस के चक्कर में, बाकी वीवो का भी मैंने चार्जर वाला नहीं बताया। तो ऐसे आप देख सकते हो मैंने ट्राई किया कि जो अच्छी डील्स है वो आपको बता दूं। तो यही था आज की इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।